तो भाई अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली घुस जाता हूँ और जानने के लिए कि आगे क्या होता है देखिए यही वाला वीडियो। तो और भाई लोग यार क्या हाल चाल, आ चुके यार एक नए गेम प्ले के साथ यार, जिसमें मैं आप लोग को ऐसे दो बंदे दिखाऊंगा यार जिनको यार पता ही नहीं चलता कि उनके पीछे बंदा आ चुका है। वो लोग भाई मतलब खुश रहते हैं कि हमें स्नाइपिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन फिलहाल बात करते हैं यार इस मैप की और इस अपडेट की, जिसमें गाइस देख सकते हो पैराशूट जब खुलता है तो यार ऊपर का हम लोग को व्यू देता है जिसकी हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं। और काफ़ी भाई टट्टी सा अपडेट आया ये, लेकिन आया है तो यार क्या करें, खेलना तो पड़ेगा ही। फिलहाल यार हम लोग को UMP मिलती है और भाई सामने वाले बंदे को यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई वो कूद जाता है वहाँ से। अब सामने भी मेरा एक बंदा होता है लेकिन यार मैं उसको फायर नहीं करता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे उतरे थे तीन बंदे और मैं अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता था। लेकिन यार इस बंदे को मैंने पूरा मतलब खा ही गया। उसका एक रीज़न है कि भाई यार ये बंदा था एग्रेसिव, और भाई अगर हम लोग एग्रेसिव प्लेयर को नहीं मारते हैं स्टार्टिंग में तो भाई एंड में जाके काफ़ी ज़्यादा ख़तरा बन जाएंगे। इसलिए गाइस यार जो भी एग्रेसिव प्लेयर मेरे को दिख रहा है उसको मैं जाके ईजिली यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। और कैंपरों को भाई थोड़ा सा मारना जो है ईजी होता है, अगर वो भाई मतलब प्रो लेवल वाले कैंपर नहीं है तो उनको मारना थोड़ा सा ईजी होता है, बट वहीं पर अगर यार एग्रेसिव प्लेयर है तो भाई आप लोगों को भी वो घुस के मार सकता है। फिलहाल उस जगह से मैं यहाँ पे वापस आ गया क्योंकि भाई वहाँ पे बंदे भाग चुके थे, मेरे को सिर्फ वहाँ पे एक ही किल मिली जो कि मैंने भाई ईजिली वहाँ पे ले ली थी। बट यहाँ पे मेरे को गन की फायरिंग आती है तो भाई आगे वाला जो वॉच टावर है मैं वहाँ जाकर TPP लेने लगता हूँ। और तभी देखो अब भाई लोग यार मैं इस बंदे को देता हूँ AKM के दो हेड देता हूँ और एक बॉडी भी देता हूँ, बट फिर भी ये बंदा नॉक नहीं होता। उसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ पता थी वो बंदा हील ज़रूर करेगा आगे जाके, लेकिन यहाँ करेगा वो नहीं पता था। अब भाई ये बंदा यहाँ पे स्नाइपिंग कर रहा था तुरंत हील करके, भाई इसको भागना चाहिए था क्योंकि इसके पीछे भी बंदा था आगे भी बंदा था, बट इसने रिस्क लिया और भाई दूसरे बंदे से लड़ रहा था। अब यहाँ पे भाई बस देखना मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे लूट चाहिए थी। मेरे सामने बंदा था जो कि काफ़ी अच्छा स्प्रे दे रहा था, बट भाई मैंने पहले अपनी लूट कंप्लीट की और फिर यहाँ से जाकर एक कवर लिया। तो भाई देखो भी मैं कैसे यहाँ पे बचता हूँ बिल्कुल 1 HP पे। अगर भाई वो बंदा मेरे से थोड़ा सा भी क्लोज़ होता ना, थोड़ा सा भी क्लोज़ होता, फिनिश कर देता क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा उसका स्प्रे यहाँ पे आ रहा था। तो तुरंत मैं यहाँ पे हील करता हूँ और साथ ही साथ में अपना जो गाइस 6x है उसको 3x बना देता हूँ क्योंकि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन तभी देखो यार मेरे साथ क्या हुआ, भाई इस बंदे के पास थी यहाँ पे उजी और मेरे को ईजी फिनिश कर सकता था अगर ये बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता, क्योंकि भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी तो उसके पास मौका था बट उसने मिस कर दिया। और तभी देखो यार सामने वाले बंदे को मैं स्पॉट करता हूँ। अब भाई मैं उस बंदे को यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे शूट नहीं कर पाया, उसका रीज़न था कि भाई ये जो टायर है इस पर सारी की सारी गोलियाँ मेरी लग गई, उस बंदे तक मेरी एक भी गोली नहीं गई। अब भाई मैं जब भी यहाँ पे लेफ्ट में पीक लेता वो बंदा शूट करता, राइट में पीक लेता वो बंदा शूट करता, बट गाइज यहाँ पे मैंने उसको 2 हेड दे दिए थे M416 के, जो कि गाइज मेरे को अच्छा मौका बना रहा था कि मैं उस पर जाके रश करूँ। इसलिए गाइज मैं उस पर धीरे धीरे करके क्लोजिंग कर रहा था। फिलहाल यहाँ पे मैं ड्रिंक लेके क्लोजिंग कर दिया था उसके पास ताकि भाई मेरे को अच्छा से यहाँ पे एंगल मिल जाए। सो यहाँ पे मैं TPP ले रहा हूँ और दूसरे बंदों को यहाँ पे स्पॉट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो बंदे Kar98 चला रहा है और भाई ये दूसरा बंदा यहाँ पे M4 का स्प्रे दे रहा है। तो मेरे सामने आता है ये और भाई मतलब कतई बहुत ही ज़्यादा लेट। अब मेरे पास रश करने के सिवा और कुछ नहीं था, मैं यहाँ पे गन भी रिलोड नहीं करता हूँ और मेरा काफ़ी सही डिसीज़न होता है ये। मतलब भाई मुझे पता था कि बंदा पहले राइट आएगा फिर लेफ्ट आएगा, इसलिए गाइस वहाँ पे मैंने पहले ही प्री फायर कर दिया था। और अब मैं यहाँ से जाता हूँ बंदों को थोड़ा सा स्पॉट करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ और इजी किल लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। और भाई तभी यहाँ पे मेरे को गन की साउंड आती है जो कि M24 की होती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई आगे वाली जो झोपड़ी आप लोग को दिख रही है वहाँ पे बंदा है। अब भाई वो बंदा दिखना सबसे तगड़ी स्नाइपिंग कर रहा था, उसके 4-5 किल सिर्फ और सिर्फ Kar98 और M24 से ही थे, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा ही स्नाइपिंग कर रहा था वो। भाई मतलब इतना क्या ही शौक था कि स्नाइपिंग का कि बंदा यार पीछे देख ही नहीं, उसके बंदा पूरा मतलब रूम में घुस चुका है उसके बाद वो बंदा स्पॉट करता है। तो कतई टट्टी स्पॉटिंग की है, बट उस बंदे की वजह से यार मेरे को जोन का डैमेज लेना पड़ा और भाई यहाँ पे मैं बाल बाल बचता हूँ। तो देखो यार सामने आप लोग को एक बंदा दिख रहा होगा, अब मेरी हेल्थ यहाँ पर ऑलरेडी कम है।
और भाई इजी चिकन डिनर, बट भाई ये बंदा अच्छा शूट किया तो भाई तगड़ा खेला ये बंदा, ये बोलना तो बनता ही है।